स्वामी भाई जी हमारे बीच में पधार चुके हैं और कोलकाता बांगलोर सब जोन की ओर से हम बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत कर रहे हैं स्वामी भाई जी का। थैंक यू। वैसे तो आपकी बहुत सी क्लासेस, बहुत प्रेरणादायी क्लासेस हम सुनते रहते हैं, पीस ऑफ माइंड पर भी सुनते हैं और वैसे भी मधुबन में भी सुनते हैं, कई प्रोग्राम्स में भी सुनते हैं, लेकिन आज स्पेशली हमारे लिए आए हैं, इसीलिए बहुत ही विशेष, सभी को खुशी है और सारे सब जोन के भाई बहने YouTube के माध्यम से जुड़े हैं इस प्रोग्राम के साथ। अच्छा। और भी जुड़ रहे हैं और सभी के दिल की उमंगें, सभी के दिल की खुशी, आपका स्वागत कर रहे हैं स्वामी भाई जी। थैंक यू। और अभी हम क्लास आरंभ करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, विशेष हमारे आदरणीय आप सभी निमित्त आत्माओं का, बहनों का, पद्मा दीदी, अस्मिता बहन और आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक बहुत सुंदर सौभाग्य दिया ताकि मैं इस सुंदर से ब्राह्मण फुलवाड़ी से मैं मिल सकूँ, खास करके इस श्रावण मास में। अस्मिता बहन, मैं जब बोलूंगा अगर बीच में मेरी आवाज ऊपर नीचे हो रही है तो आप प्लीज मुझे इंटीमेट करना ताकि मुझे थोड़ी समझ सी में सॉफ्ट आए। है आवाज, अच्छा ठीक है, थोड़ी अभी सुनाई दे रहा है जी, अभी अच्छी है। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस फीडबैक। खास कर जब आज आपने मुझे फोन करके बोला कि थोड़ा क्लास लेना है, अब क्लासेस तो बाबा के बच्चों को बाबा ने 85 इयर्स इतना ज्ञान सुनाया है, लेकिन फिर भी मैंने ये बात को स्वीकार किया क्योंकि संगम युग का थोड़ा सा टाइम बाकी है, ज्ञान से ज्यादा एक दूसरे से मिलने का एक बहुत सुंदर अभी मौका है क्योंकि हम एक दूसरे से अगले 5000 वर्ष मिलते रहेंगे, तो अभी संगम युग में रूबरू हो, थोड़ा दिल से दिल का संवाद हो, इसके लिए मैंने विशेष आज आपके निमंत्रण को स्वीकार किया और मुझे बहुत अच्छा भी लगा आप सबसे मिलकर भी। मैं आज आपको कुछ एक जो मैं पिछले 25 वर्षों से जो बाबा का बच्चा हूँ तो मुझे बहुत स्नेह, बहुत प्रेम, बहुत पालना इस यज्ञ ने दिया है, मैं आज के संदर्भ को रखते हुए कुछ एक छोटा छोटा अनुभव मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि ये जो अनुभव है भाई बहनों को बहुत प्रेरणा भी जरूर जरूर देगा। मुझे याद आता है बहुत वर्ष पहले मैं एक सेवा में निकला हुआ था, तो एक जगह से दूसरे जगह सेवा करते करते हम बढ़ रहे थे, तो मुझे एक सेंटर पर बहन जी ने मुझे बताया कि स्वामी भाई कल आपको एक दूसरे सेंटर पर जाना है तो सुबह 6:30 बजे आपको एक भाई आएंगे और आपको है ना उस सेंटर पर लेकर जाएंगे, तो आप तैयार रहना। तो मैंने कहा ठीक है, और दूसरा दिन वो भाई एकदम टाइम पर आ गए, अपनी कार लेकर आए और मुझे कहा, मुझे बिठाया और कहा कि अब हम चलते हैं। तो फिर मैंने उस भाई से जो गाड़ी चला रहे थे उनसे पूछा कि भाई हमें नया वो जो सेंटर जहां जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा स्वामी भाई करीब 1.25 घंटे का रास्ता है। अब क्योंकि 1 घंटे का रास्ता था, ये भाई गाड़ी चला रहा था, तो नेचुरली मैंने उस भाई का परिचय पूछा कि आपका नाम क्या है। और फिर एक प्रश्न मुझे पूछना बहुत अच्छा लगता है जब मैं नए बाबा के बच्चों से मिलता हूँ कि आपको बाबा का परिचय कैसे मिला, आप बाबा के बच्चे कैसे बने। तो ये भाई जो गाड़ी चला रहा था उसने कहा कि स्वामी भाई मैं 1 साल का बाबा का बच्चा हूँ और बेसिकली मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं टैक्सी ही चलाता हूँ, ये मेरा अपना प्रोफेशन है। तो मैंने पूछा अच्छा बताइए आपको बाबा का परिचय कैसे मिला, तो बोला स्वामी भाई 1 साल पहले मुझे ऐसे संस्कार थे कि अगर मुझे गाड़ी चलाना हो तो गाड़ी में पेट्रोल भरने के पहले मैं अपनी इस गाड़ी में पेट्रोल भरता था। मुझे लगता है जो भाई बहने सुन रहे हैं आपको समझ में आया, पेट्रोल का अर्थ है कि जब तक वो भाई ने कहा कि मैं शराब नहीं पीता था तब तक मैं गाड़ी चला नहीं पाता था, चारों तरफ व्यसनों से मैं भरपूर था, हर व्यसन मेरे जीवन में था, मैं बहुत तंग भी था इससे। तो मैंने कहा अच्छा आगे फिर कहानी बताइए। तो उन्होंने कहा एक दिन मुझे ना एक बहन जी का फोन आया और मुझे कहा
कि मेरी एक सखी है जो दूसरे शहर में रहती है, वो मेरे पास कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी सखी को इस शहर के अलग अलग साइट सीइंग स्पॉट में लेकर जाऊं। तो किसी ने मुझे आपका नंबर दिया कि आप इस जगह से परिचित हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कल पूरा दिन के लिए आप हमको और मेरी सखी को अलग अलग साइट सीइंग स्पॉट में लेकर जाए। कि भाई ने कहा हम जरूर आ जाएंगे। दूसरा दिन वो सुबह उठे, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरे, उस गाड़ी में पेट्रोल भरे और एकदम टाइम पर पहुंच गए। तो कुछ समय के बाद उन्होंने देखा वो दो बहनें आए और पीछे बैठे। और ये भाई एक एक स्पॉट, एक एक जो टूरिस्ट स्पॉट होता है, ये साइट सीइंग स्पॉट होता है, वहां पर वो लेकर जाने लगे। अच्छा, ये जो दोनों जो बहनें जो पीछे बैठे थे, इतने जैसे बचपन की सखियां मिलते हैं तो एक दूसरे के बारे में बात करना, परिवार के बात करना, और घर गृहस्थ में रहने वाली माताएं थी वो, तो पति के बारे में, बच्चों के बारे में इतना खुशी से, इतना आनंद के साथ वो डिस्कस भी कर रहे थे। बहुत आनंद में थे, वाइब्रेशंस बहुत अच्छे थे। और ये भाई अनुभव मुझे सुनाया कि मैं बस गाड़ी सीधे सीधे देखकर चला रहा था, मैं एक सेकंड भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है ये बहनों का ना एंटीना बड़ा स्ट्रांग होता है। अगर उनको मेरा ये दुर्गंध आ गया तो फिर मेरा उस दिन का भाड़ा गया कि मैं शराब पीकर गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा, एक स्पॉट पे रुकते थे, वो दोनों सखियां जाती थी, वो साइट सीइंग स्पॉट देखती थी, फिर वापस आ जाती थी। ऐसा चलता रहा। दोपहर के आसपास जब भोजन का टाइम हुआ, तो जिस माता जी ने फोन करके इस भाई को बुलाया, तो उन्होंने कहा देखो आज आप सुबह से हमारे साथ हो, तो हमने आपके लिए भी भोजन बनाया है, तो प्लीज आज आप हम भोजन आपको देते हैं, आप भी करना। तो जो सखी जो दूसरे शहर से आई थी, उसने प्लेट में सब भोजन रखा और इस भाई को दिया। और ये भाई अनुभव सुनाते हैं कि पहली बार मेरी दृष्टि उस बहन पर पड़ी, और जैसे ही मेरी दृष्टि उन पर पड़ी, मैंने उनको देखा, तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे एक देवी है ना, जैसे हम कहते हैं ना देवी जो होती है, श्रृंगार कर कर माँ के स्वरूप में खड़ी है और बहुत स्नेह और प्यार से भोजन दे रही है। चेहरे में इतनी चमक, आंखों में इतनी रूहानियत, और ये भाई बस वो दृश्य देखते रहे। तो उस माता जी ने कहा भोजन लीजिए ना। फिर ये भाई ने भोजन लिया और फिर उनने मुझको कहा स्वामी भाई, वो दोपहर से लेकर शाम तक जैसे मैं ट्रांस के स्वरूप में था। बीच बीच में मुझे गुटखा खाने की आदत होती थी, लेकिन मैं सब कुछ भूल गया, जैसे मैं एक बहुत ही दूसरे तरह का एक अतींद्रिय सुख का अनुभव कर रहा हूँ। अच्छा, शाम को जिस घर से उन्होंने लेकर आए थे, उसी घर पर उन्होंने पहुंचाया। बेसिकली वो गीता पाठ चलाती, और जिस माता जी ने उनको फोन किया था, वो उस गीता पाठशाला चलाती थी। तो उस माता जी ने कहा आज सुबह से शाम तक आप चाय पी कर जाना। तो वो उसने कहा ठीक है। वो अंदर आए तो दो तीन भाई लोग वो मुरली सुनने के लिए बैठे थे, तो ये माता जी चाय बनाने के लिए अंदर गई, और जिस बहन के द्वारा साक्षात्कार हुआ, वो संदल पर बैठी और बाबा की मुरली ली और बाबा के महावाक्य पढ़ने लगे, मीठे बच्चे। और ये भाई कहते हैं पहली बार जीवन में मैंने इतने मधुर शब्द सुने कि कोई मुझे बहुत प्यार से मीठे बच्चे बुला रहा है। बोला स्वामी भाई, उस दिन और आज दिन तक मैंने कभी मुरली मिस नहीं की, मेरा पूरा संस्कार परिवर्तन हो गया, सारा व्यसन मेरा छूट गया एक झटके में, और मैं बाबा का बच्चा बन गया हूं, और कभी कभी मुझे ये टैक्सी की सेवा मिल जाती है, तो आज ऑन गॉडली सर्विस में आपको लेने के लिए आया हूँ। जब मैंने अनुभव सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और खास कर मुझे ये बहुत इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हमारे सेंटर पर भी भाई भाई लोग आते हैं जिनको व्यसन होता है, उनको टाइम लगता है, लेकिन एक झटके में किसी का व्यसन छूट गया, ये तो पहली बात थी, लेकिन कोई बहुत बड़ी भी बात नहीं थी। लेकिन दूसरी बात जो मुझे इनकी कहानी को मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक ऐसे भाई हैं जिनको ज्ञान साक्षात्कार के द्वारा हुआ, क्योंकि हमारे यज्ञ के आदि में जो बाबा के बच्चे बने हैं वो सब साक्षात्कार के द्वारा आए थे, और बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे अंत में भी ये पाठ फिर से खुलने वाला है, अंत में फिर से साक्षात्कार का रोल चालू होगा। और ये भाई यहाँ मेरे साथ हैं जो है ना मुझे कह रहे हैं कि मुझे साक्षात्कार के द्वारा, देवी का साक्षात्कार हुआ और मेरा जीवन परिवर्तन हो गया और मैं बाबा का बच्चा बन गया। तो मैंने उस भाई से कहा कि जिस माताजी के द्वारा आपको साक्षात्कार हुआ उसके बारे में आप जानते हो क्या? बोला हाँ स्वामी भाई, मैं उसका नाम जानता हूँ, मेरे को
मेरे पास उनका नंबर भी है। मैंने कहा वेरी गुड, एक काम करो उस माता जी का फोन लगाओ और उनको कहो कि स्वामीनाथन भाई आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे ओम शांति करना चाहते हैं, राइट। बोला जरूर। तो उन्होंने फोन किया, उस माता जी ने वहां से फोन उठाया, तो मैंने उन्होंने कहा कि हमारे साथ मुंबई से स्वामीनाथन भाई हैं और मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, तो आपसे वो ओम शांति करना चाहेंगे, और मुझे फोन दिया। तो मैंने बहुत प्यार से कहा माता जी ओम शांति। तो उन्होंने मुझे पहचाना, अरे स्वामी भाई आज आपने फोन किया, आज तो हमारे बड़े भाग्य के दिन थे। तो मैंने कहा माता जी आप जानना चाहते हो मैं आपको क्यों फोन किया? तो उन्होंने कहा स्वामी भाई बताइए आपने किसके लिए फोन किया? तो मैंने कहा बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ माता जी कि आप साक्षात्कार मूर्त कैसे बने। मैं इतने सालों से क्लास करा रहा हूँ, इतना मेमोरी कराते कराते मैं थक गया हूँ, आज तक मेरे द्वारा कोई साक्षात्कार हुआ नहीं। आप ऐसा क्या पुरुषार्थ करते हैं जिसके आपके द्वारा साक्षात्कार हो गया? वो भोली माता जी, नहीं नहीं स्वामी भाई ये भाई कुछ भी बोलते रहते। मैंने कहा नहीं नहीं माता जी आप बताइए, मैं बहुत जेन्युइनली मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या पुरुषार्थ करते हैं, आप सोच कर बताइए, मैं हूँ लाइन पर हूँ, आप सोचिए। तो उन्होंने सोच कर मुझे कहा स्वामी भाई मुझे ना बाबा से अति प्यार है। मैंने कहा स्वामी भाई का भी अति प्यार है बाबा से, वैसे भी प्यार के सब्जेक्ट में तो बाबा ने हर बाबा के बच्चों को सर्टिफिकेट दिया है कि प्यार के सब्जेक्ट में सारे बच्चे पास हैं। मैंने कहा ये तो बाबा का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और बताइए। तो मैंने कहा स्वामी भाई मैं हर दिन मुरली नियमित रूप से सुनती हूँ। तो मैंने कहा वाह माता जी मैं तो हर दिन मुरली सुनाता हूँ, राइट, मैं तो आपसे आदत ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। स्वामी भाई वो बस, मैंने कहा सोचो माता जी क्या पुरुषार्थ करते हो, क्या अलग पुरुषार्थ करते हो? वो सोचने लग गया। थोड़े देर के बाद उन्होंने कहा स्वामी भाई वो ना साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास है, वो ड्रामा के पास है, वो मैं कुछ नहीं जानती, आप बाबा से पूछो, थैंक यू ओम शांति, फोन रख दिया। ये जो 4-5 मिनट मैंने उस माता जी से बात किया, मैं ये ढूंढने का प्रयास कर रहा था कि वो माता जी और मेरे में कौन सा पुरुषार्थ डिफरेंट है। हाँ मैं ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि साक्षात्कार की चाबी बाबा के पास है, ये ड्रामा में नोंद है, लेकिन फिर ये भी तो प्रश्न उठता है ना कि बाबा मेरे द्वारा भी तो साक्षात्कार की चाबी घुमा सकते थे ना, वो उन्होंने उस माता जी को ही क्यों चुना, ये भी प्रश्न उठता है। वैसे भी वो पुरुषार्थ में उनमें और मेरे में क्या अंतर था, ये मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा था। और ये 4-5 मिनट में जब मैंने इस माता जी से बात किया, मुझे वो अंतर समझ में आया, जो आज मैं सभी भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहूंगा। बाबा कहते हैं दो प्रकार के बच्चे होते हैं। पहले प्रकार के बच्चे होते हैं वो होते दिमाग वाले, और दूसरे प्रकार के बच्चे होते हैं वो दिल वाले। मुझे वो अंतर समझ में आया माताजी और मेरे में, कि वो माताजी जो थी ना भोली भाली घर गृहस्थ में रहने वाली माताजी थी, वो दिल वाली थी। और मैंने ये भी महसूस किया कि आज से करीब 25 वर्ष पहले जब मैं, है ना बाबा कहते ना बचपन के दिनों को याद करो, तो जब मैं बाबा का बच्चा बना था तब मैं भी दिल वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा धीरे धीरे हम ये बड़े होते गए, ज्ञान समझ में आता गया, शायद कुछ जिम्मेवारी भी मिली, पता ही नहीं चला कि कब हम दिमाग वाले से दिल वाले बन जाए, है ना, दिल वाले से हम फिर से दिमाग वाले बन गए। अब जो समय मिला है मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर से वो दिल वाला बनना बहुत बहुत जरूरी है। मुझे याद आता है करीब 2013 या 14 की बाबा अव्यक्त बाप दादा के, जब शांतिवन में बाबा लास्ट टाइम हो रहा था, राइट, जहां बाबा बीच बीच में आते थे गुलजार दादी जी के तन के द्वारा, उस समय पर बाबा की एक मुरली चली थी जो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जहां बाबा बार बार ये कहते थे बच्चों के दिल में कौन, राइट, और बाबा के दिल में कौन, थोड़ा देर बोलते थे फिर कहते थे बच्चों के दिल में कौन, बाबा के दिल में कौन, बच्चों के दिल में कौन, बाबा के दिल में कौन। त्रिकालदर्शी बाबा हमको यही बता रहा था कि अंतिम समय का ये पुरुषार्थ कि हम दिल वाले बने। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है दूसरा दिन शांतिवन के डायमंड हॉल में हमारे आदरणीय रमेश भाई जी जब है ना मुरली की, बाबा अभी एक बाप दादा की मुरली का व्याख्यान कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि कल जो बाबा आए थे थोड़ा समय के लिए आए, कितना समय बाबा ने दिल वाला शब्द यूज किया।
और मुझे ऐसा फील हुआ कि आदरणीय रमेश भाई जी पूरा रात बैठकर ये गिनते होंगे, दिलवाला 1, दिलवाला 2, दिलवाला 3, दिलवाला 4, राइट। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आदि में जो हुआ ना वो अंत में भी होगा, तो अंत समय भी साक्षात्कार के द्वारा बाबा भी प्रत्यक्ष होंगे, और बच्चों के द्वारा ही साक्षात्कार होंगे, देवी के साक्षात्कार, देवता के साक्षात्कार। तो उसके लिए हमें अपने आप को दिलवाला बनाना बहुत जरूरत है। दिलवाला का मतलब होता है दिल से जिगरी प्यार बाबा के प्रति। और बाबा से अगर प्यार होता है होगा तो यज्ञ से प्यार, ब्राह्मण परिवार से प्यार, अपने लौकिक परिवार के प्रति स्नेह प्यार, किसी के प्रति भी नफरत नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी हर देश के प्रति, क्योंकि भारत बाबा जो है विश्व कल्याणकारी है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भारत कल्याणकारी हूं। तो हमें किसी के प्रति भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, अगर यह कॉन्शियसनेस जो बाबा की होगी वही हमारी भी होगी, है ना। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज दिलवाले। इसलिए आज मैं थोड़े समय पर, वर्तमान समय पर हमें क्या क्या पुरुषार्थ या क्या किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज का जो वर्तमान समय है आप और हमने सबने अनुभव किया है, चारों तरफ डर है, भय है, अनिश्चितता है, स्ट्रेस टेंशन है। ये तो बाहर की दुनिया का हालचाल है जो हम न्यूज में या व्हाट्सएप में सब सुनते या देखते रहते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाबा के बच्चे को ये महसूस हो गया है 3-4 महीने के लॉकडाउन से कि जो बाबा कहते थे कि बच्चे कैसा समय आएगा वो आ गया है, जहां मुरली सुनने के लिए अब घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, राइट। और कहीं ना कहीं हम ये भी महसूस करें दुनिया का हालचाल देखकर कि अब ये अंतिम पड़ाव चल रहा है, जैसे होता है ना, क्योंकि लौकिक में मैं टीचर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम होता है कि पहले टीचर आता है, उनको अच्छी तरह से क्लास कराता है, जब सिलेबस पूरा हो जाता है फिर टीचर आकर उसको, है ना, रिवाइज कराता है। फिर एक ऐसा समय आता है जब हमको एग्जाम हॉल से इंटीमेशन मिलता है कि आप अपना एग्जाम पेपर सेट करो, तो हम एग्जाम पेपर सेट कर देते हैं और फिर वो एग्जाम पेपर जो है हॉल, है ना, एग्जामिनेशन सेल में हम भेज देते हैं। जब हम ये करते हैं तो बीच का थोड़ा समय होता है जहां पर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन लीव, पीएल बोलते हैं हम लोग, जहां पे स्टूडेंट्स अपने घर में होते हैं और टीचर्स अपने घर में होते हैं। अभी का जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय यही चल रहा है, बाबा अपने घर में, बच्चे अपने घर में, और अभी का जो टाइम है, ये थोड़ा सा वक्त मिला है, उसमें हम कितना खुशी से, कितना आनंद के साथ पुरुषार्थ करें। मैं पिछले 2-3 महीने से जैसे बाहर वालों से मैं ऑनलाइन से मिल रहा हूँ, ऐसे मेरा सौभाग्य रहा है बीके परिवार से भी मिलने का। और मैंने कभी कभी, खास मैंने कुछ कुमार कुमारियों से जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था, या कुछ माताओं के साथ जो बहुत भोली दिल वाली होती है उनके साथ जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था, तो ये एक फीलिंग मुझे आई कि सारे बाबा के बच्चे जो हैं 20 नाखूनों का जोर लगाकर, अगर मेरा इंटरनेट ऊपर नीचे होता है तो प्लीज मुझे इंटीमेट करना, राइट। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं सभी अपने अपने रीति से, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ का स्ट्रेस और टेंशन भी हो रहा है। समय कम है, समय कम है, पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं। नहीं, हमें एक नई दुनिया में जाना है, सतयुगी दुनिया में जाना है, श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है। अगर हमें वो श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है तो अभी जो थोड़ा सा टाइम है उस समय पे वही संस्कार को हमें इमर्ज करना है जो आने वाला समय का होगा। तो पुरुषार्थ जितना हो सके कर रहे हैं, उसको बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ आप पुरुषार्थ करें, चेक करें, चेंज करें, अपने दिनचर्या को बनाएं, अपनी मनचर्या को बनाएं। सो नाउ वी आर ऑल गॉडली वंडरफुल ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, जहां पर हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट इज पीएल टाइम, एग्जाम का पेपर सेट हो गया है, एग्जाम हॉल में चला गया, कभी भी समय घंटी बज सकती है। तो क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, अभी तक जो हमने अभ्यास किया उसी को ही करना है, कोई नई बात नहीं है, बस वर्तमान समय को देखते हुए थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट करना है, कोई नई बात नहीं है। तो हमको पता है हमारे इस ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन में 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसी सब्जेक्ट को लेकर वर्तमान परिस्थिति में
किन बातों का हमें अटेंशन देना, वही मैं बहुत स्नेह प्यार से आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत सारे बाबा के बच्चे करते भी होंगे। सबसे पहला जो है ज्ञान, ज्ञान अर्थात समझ। तो सुबह से शाम तक हमको ये चेक करना है कि कहीं ना कहीं मुझे डर या भय तो नहीं सता रहा है। वर्तमान समय की किसी परिस्थिति का डर या भय, या भविष्य को लेकर चिंता, बच्चों को परिवार को लेकर अगर चिंता अगर हो रही है, तो अभी एक टाइम है जहां पर हम उस ज्ञान को जो बाबा ने हमें दिया है, हम सबको पता है, उसको हम फीलिंग लेवल पर लेकर आए, उनको हम महसूस करें। करेक्ट। जैसे अभी मैं वर्तमान समय पर मैं केरला में हूँ और केरला के सुंदर प्रकृति के बीच में मैं हूँ। चारों तरफ बहुत हरियाली है, बहुत ब्यूटीफुल बड़े बड़े पेड़ हैं। तो लॉकडाउन का समय में इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्पेंड योर टाइम हियर इन केरला। तो ये यहाँ पर ये जो जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, दैट्स अ गीला पाठशाला, हमारा लोक परिवार है, और मैं सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए जाता हूँ। घर के एकदम बाजू में बहुत सुंदर सी प्यारी नदी है, पहाड़ी से पानी छल छल करके आती है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वाटर, इतना स्वच्छ पानी। तो मैं इवनिंग वॉक के बाद मैं उस नदी में जाकर बहुत प्यार से उस झाड़ियों के बीच में बैठकर बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ प्रकृति इतना सुंदर है, झाड़ियां बहुत है, इट इज काइंड लिटिल फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पर अक्सर करके सांप भी दिखते हैं। और मैं आप सभी भाई बहनों को बताना चाहूंगा कि हमारे लौकिक घर से एकदम नजदीक देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ स्नेक पार्क, राइट, देयर इज अ स्नेक पार्क। अक्सर करकर सांपों से लोग कहीं ना कहीं डरते हैं, या सांप अगर आ जाए तो अचानक एक फीलिंग आती है और आप और हम थोड़ा सा भागते हैं, राइट। मुझे याद आता है बहुत वर्ष पहले मैं यहाँ पे स्नेक पार्क में गया था, है ना। तो जब वो स्नेक पार्क में जाते हैं तो बहुत सारे स्नेक्स डिस्प्ले भी रखते हैं, अट्रैक्शन होता है। बीच में एक जगह होती है ना, प्लस करते हैं सराउंड, जैसे कुआं होता है, कुआं इतना गहरा नहीं लेकिन मेरे ख्याल से 1.5-2 फुट होता है, वहां भाई रहता है और उस कुएं के अंदर बहुत सारे सांपों को डालते हैं, वो सांप रेंगते रहते, राइट। अच्छा, अब ये जो ट्रेनर जो होता है वो पता क्या करता है, एक एक सांप को उठाता है और चारों तरफ लोग उसको देखते रहते, बहुत दूर से देखते रहते, कोई नजदीक जाना नहीं चाहता है। अब पता है ये जो ट्रेनर क्या करता है, ये सांप की बहुत विशेषता बताता है। ये कहता है ये सांप जो है ना किसान का बहुत अच्छा दोस्त है, करेक्ट। ये सांप जो है ना, और सबसे वो क्या करता है, इस सांप के लिए हमारे मन के अंदर जो डर है ना, वो डर को निकालता है, वो ज्ञान बताता है, वो समझ देता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव बात बताता है कि सांप से डरना नहीं है, सांप तो किसान का दोस्त है। क्या खेती में जब चूहे आ जाते हैं तो ये सांप उस खेती की रक्षा करता है और ये इकोलॉजिकल सिस्टम का एक भाग है, आप क्यों डरते हो। अच्छा, पहले तो उसने बता दिया। दूसरी बात वो बहुत अच्छी बात बताता है, दूसरी बात वो कहता है कि ये सांप जो है ना अपने आप आकर आपको कभी काटता नहीं है। आप चल के जा रहे हो, सांप है ना 100 मीटर दूर है, धीरे से नजदीक नजदीक टच कर स्वामी भाई ओम शांति, ऐसा नहीं करता वो। हाँ, सांप जो है ना आवाज करता है, या सांप जो है ना वो फन निकालता है, वो तब करता है, दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म। उस ट्रेनर ने कहा कि जब आपका पैर गलती से जाने अनजाने जल्दी जल्दी आप चल के जा रहे हो तो सांप के ऊपर पड़ता है, तब वो सांप जो है अपनी रक्षा और सुरक्षा के लिए वो आपको काटता है। तो अपने आप को कभी नहीं काटता है, राइट। और लास्ट एंड फाइनल बात वो बहुत अच्छे से बताया था, देखो सांप जो है ना आप इसको टच कर सकते, आप इसको देखो टच करके देखो। अब मैंने देखा है, हम जैसे बड़े लोग होते हैं ना उसको टच करने में बड़े हिचकिचाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं ना प्यार से वाह वाह वो टच करते हैं। ये छोटे बच्चों को डर ही नहीं है, क्योंकि उस छोटे बच्चे के अंदर वो आत्मा के अंदर, इतना छोटा बच्चा होता है, मैंने देखा 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा बड़ी खुशी से कहता मम्मा मुझे इसको टच करना है। उसके मम्मा कहते नहीं नहीं तू दूर से देख, वो कहता नहीं नहीं, तो ट्रेनर देखता है, वो कहता नहीं नहीं वो बच्चे को मेरे हाथ में दो। एक हाथ में वो सांप, एक हाथ में बच्चा, और बच्चा उसको बड़े प्यार से टच करता है। और फिर वो ट्रेनर कहता कैसी लग रही है ना, फेयर एंड लवली लगाइए ना। मैं कहता हूँ जिस बच्चे ने उस सांप को उस बचपन की उम्र में टच कर एक अच्छी फीलिंग ली ना,
वो जिंदगी भर उसको कभी सांप का डर नहीं होगा, क्योंकि वो ज्ञान समझ और उसने उसको अनुभव किया कि नहीं सांप नहीं काटती। इसी तरह वर्तमान समय जो माहौल बन रहा है ना, परिवार के साथ मैं छोटे बच्चे को भी देख रहा हूँ, क्लास वन का बच्चा बंद कमरे के अंदर वो ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, क्या हालत हो गई है। ऐसे समय पर बाबा का ये वंडरफुल ज्ञान हमको आना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, हमें डिस्कस करना चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए। और अगर हमें डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं बाबा के इस ज्ञान को समझते हुए इससे ऊपर उठना है। और आज जो सबसे बड़ा जो डर लोगों को लग रहा है ना, कि रूप में बिच्छू के रूप में लोग आ रहा है, एंड दैट इज अ फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। और यहां पर बाबा ने हमको ये समझ दी है कि बच्चे आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। हमने कितने वर्षों से मैं आत्मा हूं का स्वमान लिखा, लेकिन अब और किसी भी प्रकार का डर होगा तो बाबा के इस ज्ञान को, इस समझ को यूज करते हुए उस डर से ओवरकम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सतयुगी दुनिया डर वाली दुनिया नहीं होगी, सतयुगी दुनिया बहुत सुंदर दुनिया होगी, अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड होगा, जहां पे देवी देवताओं के साथ सभी जानवर जो है बहुत ब्यूटीफुल इकोसिस्टम के साथ, एक समन्वय के साथ, एक सद्भावना के साथ हम लोग रहते हैं। इसलिए बाबा जब वो बात बताते हैं ना, शेर और बकरी भी एक साथ पानी पिएगी, इट मींस वहां कोई वायलेंस होगा ही नहीं, देयर विल बी नो वायलेंस एट ऑल, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। वो संस्कार अभी हमको ज्ञान को यूज करते हुए लेकर आना है, करेक्ट। बाहर के लोग कहते हैं हमको जॉब नहीं है, हमारा बिजनेस ठप हो गया, बच्चों की पढ़ाई क्या होगा, अभी आगे कहां से राशन का व्यवस्था होगी, भोजन हम क्या करेंगे। अब उनके मन में क्यों, क्या, कैसे, ये आना स्वाभाविक है। देखिए हमने, हमको पता है कि पूरे 5000 वर्ष में ये अंतिम समय है, अब एक नई दुनिया आ रही है। इसलिए डर या भय से हम बाहर निकलते हुए ज्ञान को हम यूज करें, दैट इज द एप्लीकेशन। ये प्रिपरेशन लीव में हमको ये बार बार अपने आप को चेक करना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है योग। योग हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं ना, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलते हुए अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करें, राइट। और यहां पर अगर हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा बाबा के साथ बहुत अच्छा योग बैठा है, कैसे पता चलेगा? इसका सिंपल इक्वेशन है कि अगर मेरा बाबा के साथ अगर राइट कनेक्शन है, इसका मतलब है मेरे सर्व के साथ संबंध बहुत अच्छे, बहुत मीठे और बहुत बहुत मधुर होंगे, करेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट का दीजिए, अगर इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है ना तो मैं दूसरे कनेक्शन के साथ कुछ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा है, थोड़ा सा मैं दूसरा कनेक्शन पाता हूँ। ओके, थैंक यू, ओम शांति। मैं दो तीन ना जियो भी लेकर रखा हूँ, एयरटेल भी लेकर रखा हूँ, वोडाफोन भी लेकर रखा हूँ, और उसके द्वारा कनेक्ट हो रहा हूँ। तो हमें विज्ञान का भी बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि विज्ञान के द्वारा हम आप सबसे मिल पा रहे हैं। ओके, बाई चांस डिसकनेक्ट हो जाएगा तो देखिये, ये जो मोबाइल जो है ना, बहुत वंडरफुल कनेक्शन की बात करता है। मैं आपको वही बता रहा था कि अगर हमको बाबा के साथ कनेक्शन है, मतलब हमारे सर्व के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण विज्ञान के आधार पर बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो और आपको किसी का फोन आएगा, आपके फैमिली मेंबर का फोन हो सकता है, किसी का भी फोन हो सकता है, क्योंकि आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, आप फोन उठाते हो, रिंगटोन बजता है, ओम शांति। जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज सामने वाले को ठीक से सुनाई नहीं देती है, तो वो आपको एक मैसेज देते हैं, आपकी आवाज कट रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। तो जैसे ही वो हमको मैसेज मिलता है तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल में ना वो जो सिग्नल की जो डंडियां होती है ना पांच, उसको हम देखते हैं, तो हमको समझ में आता है वो एक फ्लक्चुएट हो रहा है,
इसका मतलब है मेरा मोबाइल का कनेक्शन टावर के साथ नहीं हो पा रहा है, और क्योंकि मेरा टावर के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो सामने वाले व्यक्ति को सुनाई नहीं देगा. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि व्हेन अ वर्टिकल कनेक्शन इज वेरी गुड, अवर हॉरिजॉन्टल कनेक्शन विल बिकम एब्सोल्युटली गुड. अगर मेरे बाबा के साथ वो बहुत ब्यूटीफुल संबंध है तो मेरे लौकिक परिवार, मेरा ब्राह्मण परिवार, मेरे सर्व के साथ एक बहुत अच्छा संबंध होगा. इसीलिए वर्तमान समय जो थोड़ा सा टाइम हमारे पास बाकी है ना, तो थोड़ा सा टाइम में बाबा के साथ हम सर्व संबंध जोड़ें और उस सर्व संबंध की फीलिंग को हम महसूस करें. बाबा के साथ कौन से सर्व संबंध जोड़ने, तीन प्राइमरी संबंध हैं और बाकी जो चार जो हैं वो सेकेंडरी संबंध हैं. प्राइमरी संबंध कौन से हैं? वो हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सद्गुरु हैं. लेकिन और चार संबंध हैं, वो हमारी माँ है, वो हमारी सखी या दोस्त है, वो हमारे साजन है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो हमारा बच्चा भी है, इज अवर चाइल्ड ऑल्सो. अब जितने भी बाबा के बच्चे इसको सुन रहे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अब ये सातों संबंध के साथ मैंने बाबा के साथ मैंने जोड़ा क्या. पिता, शिक्षक और सदगुरु के साथ तो कहीं ना कहीं हम जुड़ जाते, लेकिन बाकी चार संबंध, माँ का, दोस्त या सखी का, साजन का, बच्चे का संबंध जोड़ा क्या. और ये जोड़ना बहुत जरूरी है. क्यों जोड़ना जरूरी है? क्योंकि जब हम बाबा के साथ वो संबंध जोड़ते हैं ना, तो वर्तमान समय पर जो संगम युग का टाइम है ना, हम सबके साथ हमारा जो कार्मिक कनेक्शन है ना, उसको हम सेटल कर सकते हैं, हमको शक्ति मिलती है. वैसे हम सभी बाबा के बच्चे एक बात तो अनुभवी हैं कि अगर हमको बाहर वाला कोई व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है, बाबा का परिचय नहीं है, राइट, अगर वो हमारे साथ किसी तरह से व्यवहार करता है तो हमको वो इतना हर्ट नहीं करता है. अरे भाई, उसको ज्ञान नहीं है, उसको समझ नहीं है, चलो माफ करते हैं. लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी परीक्षा जो आती है वो ब्राह्मण परिवार के साथ, राइट. और ये क्योंकि वो भी, उनको भी ज्ञान है, मुझे भी ज्ञान है, तो इस समय व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बाबा के साथ जितना हम सर्व संबंध जोड़ेंगे, इट विल बी इजी फॉर अस कि सामने वाली आत्मा वो जो है, जैसा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए उनको स्वीकार करना, ये बहुत जरूरी है. अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो मैं बहुत प्यार से भाई माफी मांगता हूं. अगर किसी ने जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती की है तो हम बड़े दिलवाले बनकर हम उसको माफ करें. ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगले 5000 वर्ष, 84 जन्म इन ब्राह्मण आत्माओं के साथ ही मुझे अपना पाठ बजाना है. ये तो पहला कारण है. दूसरा कारण, बाबा के साथ जब हम ठीक संबंध जोड़ते हैं तो हमारे लौकिक परिवार के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं. काफी बार माताएं मुझे कहते हैं, मेरा पति जो है ज्ञान में नहीं चलता, मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता है, स्वामी भाई मैं क्या करूं. मैं उनको यह बताता हूं कि जो संबंध आपको लौकिक में ठीक करने की इच्छा है ना, वही संबंध आप बाबा के साथ दिलवाला बनकर आप संबंध जोड़िए. तो जैसे आपका वो वर्टिकल कनेक्शन ठीक होगा, ऑटोमेटिकली आपका हॉरिजॉन्टल कनेक्शन ठीक होगा. अगर मेरा मोबाइल का कनेक्शन टावर के साथ है, राइट, और यहां पर एटलीस्ट तो हम विज्ञान की दुनिया में तो अलग अलग हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन अलौकिक दुनिया में, मेटाफिजिक्स की दुनिया में सिर्फ बाबा एक टावर है. तो अगर मेरा कनेक्शन बाबा के साथ बहुत अच्छा होगा तो मेरे घर परिवार वालों के साथ मैं सहन कर सकती हूँ, समा सकती हूँ, समझ सकती हूँ, और वो कनेक्शन ठीक होने लगेगा. सो दैट इज द सेकेंड फायदा. और तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि थोड़ा जो समय है बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़कर वो रू रिहान, दिल की बातों का संवाद होना बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर मेरा बाबा के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, उसका रिटर्न हमको 5000 वर्ष कैसे मिलेगा. अगर सपोज मैंने बाबा के साथ बहुत अच्छा पिता का संबंध जोड़ा है तो अगले 5000 वर्ष में पता क्या होगा, मुझे अगले 84 जन्म में जो पिता लौकिक में मिलेंगे ना, बहुत अच्छे लौकिक पिता मिलेंगे. अगले 5000 वर्षों में, 84 जन्म में, जब भी स्वामी भाई पिता का रोल प्ले करेंगे,
तो मैं बहुत अच्छे से अच्छा रोल प्ले कर सकूं। एज अ फादर आई हैव टू प्ले अ रोल, राइट। इसीलिए बाबा कहते यह समय बाबा के साथ बहुत ब्यूटीफुल संबंध जुड़ना है, तो थोड़ा समय बाकी है। तो इसमें फिर से चेक करिए, पिता का संबंध तो मोरलेस जुड़ चुका है, टीचर भी हम मुरली सुनते हैं, सदगुरु भी कहीं ना कहीं, माँ का संबंध, दोस्त या सखी का संबंध। आप में से कितने भाई बहने है ना जो चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छा पति मिले। आज भी शायद बाबा की मुरली में था ना कि सभी जो हैं श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। ऐसा अगर श्री कृष्ण जैसा पति या बच्चा मिले, मिलना है, तो अभी क्या करना पड़ेगा? अभी मुझे बाबा के साथ वो साजन का संबंध जोड़कर वो इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर आनी पड़ेगी। और ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या मैंने बाबा को अपना बच्चा बनाया है। अगर बच्चा नहीं बनाया है तो अभी वक्त है, राइट। ये एक अलग बहुत सुंदर विषय है कि बाबा के साथ एक एक संबंध कैसे जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप इस बात पर जरूर जरूर अटेंशन रख सकते हैं। एक है ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है धारणा। जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ और जब हमने उसको ड्रामा में देखा, तो बाबा के बच्चों का बहुत दिल से बाबा के प्रति स्नेह प्यार हुआ, क्योंकि बाबा ने जो हमको श्रीमत दी है, बाबा ने जो हमको धारणाएं दी है, और यही धारणा जो है वो हमको जीवन में आगे बढ़ाता है, राइट। एक धारणा जो अक्सर कर लोग, शायद जो बाहर वाले लोग होते हैं ना, वो आपका मजाक भी उड़ाते होंगे। बीकेस जो है ना बाहर का भोजन नहीं करते हैं, राइट, वो बस अपना भोजन बनाते रहते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई जीवन चलता है। लेकिन जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, राइट, बाबा के बच्चों के लिए तो वैसे भी हम घर में बाबा की याद में भोजन बनाने की धारणा हमको पहले से थी, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। अब जिन लोगों को बाहर खाने की आदत है वो इतना अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। तो बाबा की एक एक श्रीमत समय आने पर हमको कैसे मदद करती है, कि आपने और हमने बहुत क्लियर कट अनुभव किया। जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो लोगों ने आपका बहुत मजाक उड़ाया, अरे नहीं पवित्रता से दुनिया कैसी चलेगी। और आज एक छोटे से कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को ये सिखा दिया कि यू हैव टू मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस, राइट। ये कितना प्यार से सिखाया, राइट, लोगों को वो बहुत बड़ी तकलीफ दे रही है, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए बहुत ईजी हो गया है। इसे बाबा जो भी धारणाएं बताते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से हमको है ना उसको फॉलो करना है। और एक जो अंतिम समय के लिए जो हमारी रक्षा और सुरक्षा का जो कवच बनेगा, दैट इज द पावर ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता की जो शक्ति है। पिछले एक हफ्ते से जो साकार मुरली जो चल रही है, बाबा इतना बहुत स्नेह है, बहुत प्यार, लेकिन शक्ति स्वरूप होकर पवित्रता के बारे में बताए, राइट। और पवित्रता के द्वारा ही राइट हमारे चेहरे और चलन के द्वारा साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे अंतिम समय आपका चेहरा ही है ना एक चलता फिरता म्यूजियम बन जाएगा। मुझे याद आता है यज्ञ के इतिहास की बात, कि एक बार बाबा ने मुरली चला, साकार में बाबा जब थे तो बाबा मुरली चला रहे थे और कुछ भाई बहने बाबा के सामने बैठे थे पांडव भवन में। तो बाबा ने जब मुरली चलाते हुए बच्चों से पूछा, बच्चों आज अगर आपका शरीर छूटेगा तो है ना आप कौन सा पद पाएंगे, राइट, आप इस पर चेक करना। अच्छा, बाबा ने तो मुरली चलाकर आप बाबा निकल गए। और आपको पता होगा उस समय बहुत सारी संदेशी दादियां होती थी जो वतन में जाकर संदेश लेकर आती थी। तो उस क्लास में एक संदेशी दादी भी बैठी थी। तो जो भाई बहने जो मुरली सुन रहे थे साकार में, वो दादी के पास गए और कहा, दादी आज बाबा ने कहा कि अगर आज शरीर छूटेगा तो कौन सा पद पाएंगे, तो आप जरा वतन में जाकर पता लगा सकते हैं कि अगर आज शरीर छूटेगा तो हम कौन सा पद पाएंगे। तो दादी ने कहा, भी बताती हूँ, और टक टक करके दादी चले गए। अब जो भाई बहने थे, अब उनका दिल धड़कने लगा, जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है ना कि भाई आपको कौन सा रैंक मिलने वाला है। तो कुछ समय के बाद दादी टिंग टिंग करके नीचे आई और दादी ने सभी को कहा, आपको ना सचिव में ये पद होगा, ये पद होगा, ये पद होगा और ये पद होगा। अच्छा, कुछ भाई बहनों का सतयुग में बहुत अच्छा पद था, वो तो बड़े खुश हुए। अब कुछ भाई बहनों का पद थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। एक ने दादी से पूछा, दादी आप हमें बताइए कि आपको कैसे पता चला कि हम ही सतयुग में वो पाठ बजा रहे हैं, क्योंकि अभी का जो चेहरा और चलन है
और सतयुग में तो हमारा चेहरा और चेहरा तो चेंज हो जाएगा ना, तो संगम युग और सतयुग के बीच में कुछ तो कॉमन होना चाहिए जिससे आपको यह पता चले कि यही आत्मा जो है, जो अभी संगम युग में ये रोल प्ले कर रही है, यही आत्मा सतयुग में वो रोल प्ले करे। तो कुछ तो कंपैरिजन दादी को मिलना चाहिए ना, संदेशी बहन को मिलना चाहिए। तो आप सभी भाई बहन सोचिए दादी ने क्या जवाब दिया होगा, कि चेहरा तो चेंज हो जाएगा ना, संगम युग का अभी का जो चेहरा है वो सतयुग का चेहरा थोड़ी ना होगा। जैसे अभी स्वामी भाई यहाँ पह रहे हैं तो सर में तो बाल नहीं है, अब सतयुग में तो बाल हो सकते हैं ना, और चेहरा सब चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज कॉमन रहता है, वो क्या चीज कॉमन है वो समझना जरूरी है। और पता दादी ने क्या कहा, दादी ने कहा एक चीज कॉमन है जो अभी है ना वही सतयुग में भी रहेगा। और दादी ने बड़े प्यार से कहा, मुझे पता चला आपकी दृष्टि से, मुझे पता चला आपकी दृष्टि से। मतलब क्या है, दादी ने नयन शब्द यूज नहीं किया क्योंकि सतयुग में हमारे नयन तो कमल नयन जैसे बन जाएंगे, लेकिन दादी ने कहा कि दृष्टि, दृष्टि का मतलब ये होता है कि हम कोई भी सीन को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो अंदर हमारा संकल्प चलता है, और जब संकल्प चलता है तो उसके प्रति एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। राइट, आज तो हम सब लोग मास्क पहने, लेकिन एक चीज जो बाबा ने हमको है ना रखा हुआ है वो है आंखें, दृष्टि। और बाबा मेरे ख्याल से कितनी बार कहा, आज भी कहा, हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। मतलब कोई गंदी चीज देखना मतलब क्या है, किसी आत्मा के अवगुणों को देखना, किसी परिस्थिति को देखकर बेचैन होना, ये क्यों हो रहा है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सी नो ईविल, हम क्यों देखें वो सब, इधर उधर की परचिंतन प्रदर्शन की बातों में हम टाइम वेस्ट क्यों करें। इसे बाबा कहते स्वचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, अपनी पवित्रता की वो शक्ति को भरते रहो, बाबा पर संपूर्ण निश्चय रखो। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे याद आता है मुंबई का, मुझे एक न्यूज मिला कि हमारे बीके परिवार की एक माता जी को और दो बच्चों को कोरोना हो गया। राइट, तो उसका बेटे ने मुझे फोन किया, बोला स्वामी भाई ऐसे माता जी को हो गया है और मैं अभी टेस्टिंग के लिए जा रहा हूँ, तो माता जी बहुत घबरा गई है, तो प्लीज आप थोड़ा योगदान देना। और सभी भी योगदान दे रहे, मैंने कहा जरूर जरूर। राइट, वो माता जी करीब 23 दिन हॉस्पिटल में रहे, 23 डेज। माता जी एक फ्लोर में, एक बच्चा जो था उसके नीचे वाले फ्लोर में, उसका बड़ा बेटा जो ऊपर वाले फ्लोर में, तीनों एक साथ। राइट, और 23 दिन के बाद जब माता जी और दोनों बच्चे ठीक होकर घर पर आए तो मुझे फोन किया। तो मैंने उस माता जी से पूछा, भाई आपका अनुभव कैसा था? बोला स्वामी भाई आज तक जिंदगी भर में कभी हॉस्पिटल नहीं गई, जिंदगी भर में कभी एम्बुलेंस में नहीं चढ़ी, मुझे आईसीयू क्या होता है पता ही नहीं था। लेकिन जब, क्योंकि वो गांव में गई थी कुछ काम के लिए, तो वहां से कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हुआ। और कोरोना वायरस होना कोई बहुत डर की भी बात नहीं है, ध्यान रखना चाहिए, आप यू हैव टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स, लेकिन हमारी अंदर की जो प्रतिरोधक शक्ति उसको बढ़ाना है, आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है, मनोबल को बढ़ाना है। वो कैसे होगा, हमारी दृष्टि से। तो माता जी अपना अनुभव सुना रही थी कि जैसे ही मुझे वो एम्बुलेंस लेके जा रही थी, बस मैं एक ही बात कर रहे थे, मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा, बस बाबा बाबा बाबा। अब जाना ही है तो खुशी से हम जाए ना। अब माता जी को हॉस्पिटल में डाल दिया, अब सारा दिन मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। अब उसको मालूम था वायरस आ गया, बड़ी भोली माता जी थी। अब जाने का टाइम हो गया, अंत मति सुगति, मेरे बाबा करते रहे। अब उसको उस नर्स ने आकर कहा, आपका ऑक्सीजनेशन है बहुत कम है, तो हम आपको आईसीयू में लेके जाएंगे। तब बोली स्वामी भाई मेरा ना थोड़ा दिल धड़का, क्योंकि मुझे लगा कोई मशीन मशीन के अंदर डाल रहे हैं, ऐसा मुझे लगा आईसीयू मतलब कोई मशीन होगा। लेकिन जब मैं वहां जब मुझे वहां गया तो कमरा था और मुझे वेंटिलेटर लगाया गया, मैं श्वासोश्वास में मेरे बाबा मीठे बाबा आप घर जाना है, मुझे आपके पास आना, आप मेरे गोदी में, आप मुझे गोदी में लेकर जाओ, इतना प्यार से याद की, और बहुत प्यार से 23 दिन के है ना उस सुंदर हॉस्पिटल की यात्रा से वो वापस आ गए। सी दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात उन्होंने कहा, स्वामी भाई मैं घर गृहस्थ में रहने वाली माता जी हूँ, कभी कभी बाबा जब मुरली में कहते थे ना, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तो मैं कभी कभी सोचती थी कि बाबा तो एक तरफ कहते चैरिटी बिगिन्स एट होम, बाबा तो स्नेह और प्रेम के सागर हैं, फिर बाबा इतने कठोर कैसे हो सकते।
क्योंकि दे सही दे के सर्वसम वो भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, भले इस जन्म में वो मेरे लौकिक परिवार में, लेकिन बोला 23 दिन के अनुभव से मैंने ये सीखा कि बाबा के जो महावाक्य हैं एकदम राइट। बच्चे चाहते हुए भी हॉस्पिटल वाले उनको अलाउ नहीं करेंगे, देखो ये हम देख रहे हैं। इसीलिए बाबा ने जो हमें धारणाएं बताई हैं, एक बल एक भरोसा पे हम रहें तो जीवन बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। और लास्ट सब्जेक्ट है वो सेवा का सब्जेक्ट। और सेवा का सब्जेक्ट कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है। बाबा ने सेवा के लिए बहुत सिस्टम बताए हैं, समय प्रति समय हमको इनपुट देते रहते हैं, राइट। लेकिन बाबा ने जो सेवा की बात कही कि मीठे बच्चे आप दानी से महादानी बनिए और महादानी से वरदानी बनिए, राइट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दानी, महादानी एंड वरदानी। अभी तक मैंने इस बात को जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है प्री कोविड सिचुएशन में हम तो दानी ही थे, बाबा का ज्ञान सुना रहे थे, बाबा का ज्ञान समझा रहे थे। तो दानी वो एक अवस्था होती है जहां पर बाबा का ज्ञान हम सुनते हैं, वो ज्ञान हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज दानी। महादानी का मतलब ये होता है कि जहां पर हम बाबा के ज्ञान को सुनते हैं उसको हम महसूस करते हैं और उस महसूसता और उस अनुभव के आधार पर हम किसी को समझाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज महादानी। और उसमें से बहुत सारे भाई बहन ये करते होंगे, आपने शांति का, अपने पवित्रता का, अपने शक्ति का अनुभव किया और आपने अपने सभी के साथ शेयर किया, सो यू हैव बिकम अ महादानी। लेकिन अंतिम समय का पुरुषार्थ जो है दैट इज द नेक्स्ट स्टेज विच इज वरदानी। और वरदानी स्टेज ये होता है कि हम उस ज्ञान के इतना स्वरूप बन जाए कि हम किसी को सुनाने के लिए नहीं बैठे, हम ये करें कि हमारे नैनों से, हमारे मस्तक से वो वाइब्रेशन निकले, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ वरदानी स्टेज। और वरदानी स्टेज ब्रह्मा बाबा पहुंचे हैं, दादियां पहुंचते हुए वो अनुभव हमको कराए हैं। जैसे बहुत भाई बहनों ने अनुभव सुना होगा कि जब लोग है ना अंतिम समय, बाबा के अंतिम समय पे बहुत कुछ बोलने के हिसाब से बाबा के पास जाते थे और बाबा की बहुत ब्यूटीफुल रूहानी दृष्टि से उनके जैसे सारे संकल्प रुक जाते थे, दैट इज अ वरदानी स्टेज। और क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम ये वरदानी स्टेज पर हम जरूर पहुंचे। सो दीज आर द फोर सब्जेक्ट्स। ज्ञान मतलब समझ, वर्तमान समय में नथिंग न्यू, बिल्कुल डरना नहीं है उस समझ को बार बार, ड्रामा का ज्ञान, 5000 वर्ष का ज्ञान, नई दुनिया बाबा ने कहा है, और डर आते ही साथ उस ज्ञान को इमर्ज करें। नंबर वन योग मतलब बाबा के साथ सर्व संबंध, किसी से माफी मांग ले, किसी को माफ कर दे, पर्टिकुलरली ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मणों के साथ हमारा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं रहना चाहिए, मतभेद हो सकते, दैट इज वेरी नेचुरल, लेकिन दिल से उन आत्माओं को इमर्ज करते हुए अच्छी फीलिंग को लेकर आए, राइट। क्योंकि हमारा सारा विश्व एक परिवार है, उसमें तो विशेष ब्राह्मण परिवार है, राइट। और कितना हर आत्मा में इतनी ब्यूटीफुल विशेषता कि बाबा की नजर उन पर पड़ी है, इट्स सच अ वंडरफुल फीलिंग, राइट। तीसरा है धारणाएं, अपनी धारणाओं पर हम चले, जो बाबा ने जो जो श्रीमत दी है ना, अपने नैनों को बहुत रूहानियत बनाए, अपनी दृष्टि को, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही दृष्टि जो है हमारी एक नई सृष्टि के लिए निमित्त बनेगा। और सेवा, दानी से महादानी से हम और आप सभी वरदानी बनते रहे और इसके द्वारा आने वाले समय पर हम दिल वाले बनते हुए साक्षात्कार होंगे, साक्षात्कार स्वरूप बनेंगे। लास्ट एक बात मैं जरूर जरूर बताना चाहूंगा, विशेष तौर पर जो है, क्योंकि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं फिर से आपको एम्फेसिस करता हूँ, पुरुषार्थ का टेंशन मत लेना, कम टाइम है, ये कोई ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण नहीं है। कम टाइम है मुझे पता है, सारा दिन में मैं अपने दिनचर्या और मनचर्या को कैसे सेट कर रहा हूँ, ये इसको देखना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि पूरे समय पर हम योग में बैठे, बहुत कर्म भी करना पड़ रहा है। हमारी बहनें जो हैं वो सेंटर पर बिजी हैं, जो घर गृहस्थ में रहने वाले वो अपने बिजी है, लॉकडाउन भी धीरे धीरे खुल रहा है, राइट, यस। तो इस तरह से हम कर्मयोगी भी करें। मुझे याद आता जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो एक महीने के आसपास मैंने एक सेंटर के एक नियमित बहन को फोन किया,
समाचार पूछने के लिए कि भाई दीदी कैसे हो। तो दीदी ने कहा मैं भी अच्छी हूँ स्वामी भाई, आप कैसे हैं। तो मैंने दीदी से पूछा, दीदी आप अपना टाइम को किस तरह से क्रिएटिवली यूज कर रहे हो। समर्पित दीदी थे, तो बहन थी और इतने उनके अंडर पर कनेक्शन और इतनी गीता पाठशाला वाली बहन जी, तो मुझे लगा कि वो कहेंगे 6 घंटा में योग कर रही थी, 8 घंटा में योग कर रही थी। बट आई केम इन फॉर अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि जब बहन ने कहा स्वामी भाई जो मुझे बीच बीच में टाइम मिलता है ना, तो मैं संगीत कैसे गाती हूँ उसका मैं अभ्यास कर रही हूँ। मैंने कहा वाह, तो बहन जी क्या करे। बोला मैं सारे गामा का प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने कहा क्यों, आप गीत गाना चाहेंगे। नहीं नहीं स्वामी भाई, सत्युग में नई दुनिया में गीत और डांस और यही सब तो होगा, तो उसका अभ्यास में क्यों नहीं करूं। और जब मैं वो सारे गामा अभ्यास भी कर रही हूँ तो आत्मा के साथ गुणों को फील कर रही हूँ, सर्व संबंध जोड़ रही हूँ। साजन अगर होगा तो मैं कौन सा गीत गाऊं, अगर वो बच्चा होगा तो कौन सा गीत गाऊं, अगर वो मेरे पिता होंगे तो कौन सा गीत गाऊं, अगर वो मेरी सखी होगी तो कौन सा गीत गाऊं। देखिए कितना वंडरफुल योग। तो हम अपने टाइम को बहुत क्रिएटिवली यूज करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, कभी भी कोई डर या क्यों क्या कैसे आए तो एक डायलॉग आप जरूर जरूर बोलना, और इस डायलॉग के द्वारा मैं अंत करना चाहूंगा। और वो है जो हमने भक्ति मार्ग में भी सुना था और बाबा ने ज्ञान मार्ग में भी हमको ये ड्रामा का ज्ञान सुनाया है, राइट। इसे कभी भी क्यों क्या कैसे कब कहां तक होगा कैसे, नो, बिंदी बिंदी, राइट। और क्या डायलॉग बोलना है हमको और आपको पता है, और वो डायलॉग बहुत खुशी से फीलिंग से बोलना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत 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 अच्छा होगा। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए यह टाइम कल्याणकारी संगम युग है। मैं बस अपना एक छोटा सा अनुभव इस डायलॉग के अंतर्गत बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं एक तनाव प्रबंधन के कैंपेन में था और हमको मधुबन से ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको तनाव प्रबंधन करना तो जरूर है, तो क्या क्या पॉइंट्स बताने हैं। लेकिन ये भी हमको बताया गया था कि आपके पास जितना टाइम है ना, उस टाइम के आधार पर आप अपना तनाव प्रबंधन करिए, नहीं तो कभी कभी आप इतना बोलते हो कि आप टाइम से आगे चले जाते हो तो लोगों को तनाव होता है, करेक्ट। तो ये बात मेरी बुद्धि में एकदम बैठ गई, तो मुझे भी कहा गया 9 बजे कंप्लीट करना है, तो मेरे पास 5-6 मिनट का टाइम है, तो मैं समय का जरूर ध्यान रखूंगा ताकि आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, राइट। अच्छा, तो हम लोग ये स्कूल में कॉलेज में इंडस्ट्रीज में बहुत जगह जाकर है ना, जहाँ पे वो था और जो पॉइंट्स हमें सिखाया गया था तो उसके हिसाब से हम तनाव प्रबंधन करते थे। अब हमारी टीम ने ये कैंपेन करते करते, बहुत दिनों की कैंपेन थी, और करते करते हम एक बार सेंट्रल जेल में गए, सारे कैदी भाई लोग बैठे थे। अच्छा, जैसे मेरे हाथ में माइक मिला तो मैंने वो जो बीके भाई जो कोऑर्डिनेटर भाई था उससे पूछा कि भाई मेरे लिए टाइम कितना है तनाव प्रबंधन करने का। तो उसने कहा स्वामी भाई वो ना वैसे भी आप यहाँ लेट पहुंचे हो और आपका अगला प्रोग्राम है, क्योंकि आप आ गए हो है ना, आप 1 मिनट के अंदर तनाव प्रबंधन करो और निकलो और बाकी टीम मेंबर्स उसको संभाल लेंगे। अब मैं इतने समय से ये तनाव प्रबंधन करते करते मेरी जो गाड़ियां ना ऑटो मोड में आ गई, तो मैंने कहा लोगों को जो सामने बैठे थे ना कि जब भी आपको कोई मन में तनाव हो ना तो अपने साथ ये डायलॉग बोलो। और मैंने सभी को, सभी मेरे साथ बोलो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा। जैसे ही मैंने ये कहा ना, वो जो बीके भाई पीछे थे ना, उन्हें बहुत जोर से मुझे खींचा और कहा स्वामी भाई क्या बोलते हो, अरे भाई सेंट्रल जेल में आए हो, सामने सारे कैदी भाई बैठे हैं जिन्होंने शायद कोई ना कोई विक्रम करके आए होंगे, और आप कह रहे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा, अरे कुछ तो सोच कर बोलो ना। अब जैसे उन्होंने बताया तो मैंने रियलाइज किया, माय गॉड दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू मेक दिस डायलॉग। लेकिन तब तक तो मेरी गाड़ी आधी फिसल गई थी, मैं इतना जोर से उसको ब्रेक लगाया, अब मेरे मन में तनाव होने लगा कि मैं बचूं कैसे। और उस समय हमें बाबा बहुत याद आते हैं, बाबा मैं क्या करूं, बाबा मैं क्या करूं। और अचानक मैंने देखा कि सभा में से एक भाई ने अपना हाथ उठाया और मुझको देखकर कहा भाई साहब आप डायलॉग पूरा करिए और स्टार्टिंग से डायलॉग बोलिए। और सबको कहा कि अभी सर जो है डायलॉग बोलेंगे, सब लोग पीछे पीछे रिपीट करना जैसे पहले कह रहे थे। अब मैंने वो बीके भाई को देखा, मैं क्या करूं। उस भाई ने कहा जैसे अगर बाहर निकलना है ना तो जैसे वो बोल रहे वैसा करो। अब मैं बोलना आरंभ किया, जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे इतना संकल्प चल रहा था, अब जेल के अंदर बंद पड़े हैं, दाल चावल खा रहे हैं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब मैंने शुभ भावना रखा कि भाई सारे छूट जाए, जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा भविष्य में। अब ये जो भाई जो थे ना, उन्होंने खड़े होकर कहा
भाई साहब आपको ये डायलॉग बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मैंने कहा सचमुच बात बताऊं तो मुझे तो बहुत संकल्प चल रहे थे। बोला नहीं सर, ये जीवन का सैद्धांतिक सत्य है, आप अंदर हो या बाहर हो सत्य हमेशा सत्य होता है। फिर उन्होंने अपना अनुभव सुनाया। बोला मैं जेल में कैसे अंदर आया मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली उसने कहा मैं एक बैंक का मैनेजर हूँ, कुछ साल पहले एक गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था तो कमिटी बैठी कि इस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को कितना लोन देना चाहिए और अगर लोन देना चाहिए तो कौन से बैंक को लोन देना चाहिए। तो कमिटी ने सारा किया और इतना करोड़ रुपए सैंक्शन किया और इस बैंक से, क्योंकि वो नेशनलाइज बैंक था, इस बैंक से उसको लोन मिलना चाहिए। मेरे हाथ में जब लेटर आया मैं इतना खुश हुआ कि वाह, है ना, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट और मेरे बैंक को लोन मिला, बड़े खुशी से साइन कर दिया। अब कुछ समय के बाद सरकार चेंज हुई, एक विजिलेंस कमिटी बैठी, थोड़ा घपला पाया, सारी कमिटी मेंबर्स को जेल के अंदर, क्योंकि ये बैंक मैनेजर, इन्होंने उस लोन पेपर में साइन किया था, उनके पीछे पीछे ये भी जेल के अंदर। अब जेल के अंदर आए तो उनको इतना गुस्सा आया, भाई मैंने तो कुछ नहीं किया था, गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था, कमिटी ने ओके किया, मैं तो खुशी खुशी साइन किया, मुझे क्यों जेल में बंद किया, क्यों, क्या, कैसे, कब। और जब ये जो अंदर तूफान चल रहा था तो एक दिन उनको अनाउंसमेंट हुई कि रक्षाबंधन के दिन ब्रह्मा कुमारी बहनें आप सभी भाइयों को राखी बांधने के लिए आएंगे, तो आप इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करना। और ये भाई अनुभव सुनाते हैं, जैसे ही मुझे अनाउंसमेंट सुनाई दिया मुझे अंदर ही अंदर इतना पश्चाताप हुआ, क्योंकि हर साल ब्रह्मा कुमारी बहनें मेरे बैंक में परमिशन के लिए आते थे रक्षाबंधन के कार्यक्रम के लिए, एक साल भी मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया। अब मैं खुद अंदर हूं और यही बहनें मुझे राखी बांधने के लिए आ रहे हैं, इतना अंदर ग्लानि, इतना पश्चाताप। तो बहनें आए और बहुत प्यार से सबको राखी बांधा और उसके पहले रक्षाबंधन का सही अर्थ समझाया कि रक्षा एक्चुअली कौन किसको कर सकता, सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की तो रक्षा कर ही नहीं सकता है, ये समझाया है। फिर राखी बांधी, सबको टोली दिया, सबको वरदान दिया और अंत में ना बहनें बड़े प्यार से भाइयों से पूछते हैं कि बहन आकर आपको राखी बांधी हुई आप क्या रिटर्न में दे सकते हो। तो अक्सर भाई लोग ये जवाब देते हैं हम जेल के अंदर हैं भाई, हम दे भी क्या सकते हैं। तो बहनों ने बड़े प्यार से कहा आप अपना समय दीजिए, हर दिन 1 घंटे का समय दीजिए, ये राजयोग का कोर्स अटेंड करिए। ये बैंक मैनेजर अपना अनुभव मुझे बता रहे थे, स्वामी भाई मैंने 1 हफ्ते का राजयोग का कोर्स किया, आदि मध्य अंत का ज्ञान मुझे समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि अब ये कलयुग चल रहा है, संगम युग पर मैं पहुंच गया हूँ, नई सतयुगी दुनिया आने वाली है, श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। और अंतिम एक डायलॉग, इतना ब्यूटीफुल डायलॉग उन्होंने बोला जो आज भी मुझे याद है। उसने कहा स्वामी भाई सतयुगी नई दुनिया में श्री कृष्ण के नजदीक आप कितना नजदीक जन्म लेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं श्री कृष्ण के एकदम नजदीक जाकर जन्म लूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही दिखाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही दिखाते हैं। उन्होंने कहा आज सारी दुनिया जेल के अंदर बंद पड़ी है, लेकिन मैं एक फिजिकल जेल में हूँ, यहाँ मुझे एक नया ज्ञानोदय हुआ, एक नया ज्ञान, एक नया प्रकाश मुझे मिला। और फिर मुझे जेलर ने कहा बिकॉज ऑफ हिज गुड कंडक्ट बहुत जल्दी वो रिहा भी होने वाले। और वो भाई बता रहे थे मैं अब बाबा के सेंटर पर जाऊं, मैंने ये महसूस किया है, कार्मिक अकाउंट को मैंने महसूस किया। तो आज सारी दुनिया भी तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में घर के अंदर बंद है ना, लेकिन घर के अंदर बंद होते हुए भी आत्मा की स्वतंत्रता फील करते हुए यह समय हमें सचमुच जरूर जरूर अच्छा पुरुषार्थ करना है, राइट। लास्ट में मैं 1 मिनट, है ना, हमारी आदरणीय दादी जानकी जी का वो महामंत्र मैं बताना चाहूंगा, और खास क्योंकि आप सभी ने मुझे श्रावण मास में और रक्षाबंधन के नजदीक मुझे बुलाया, तो मैं खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको एक गिफ्ट बहुत अच्छी तरह से देना चाहूंगा, और वो है अष्ट रत्नों में आने का सीक्रेट। मैं पिछले हफ्ते कुमार भाइयों की भर्ती कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा आप में से कितने कुमार भाई अष्ट रत्नों का लक्ष्य रखते, तो बहुतों ने हाथ उठाया। तो मैंने कहा उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे, तो भाइयों ने कहा कि 6 घंटा निरंतर योग करना पड़ता है। मैंने कहा 10 मिनट भी अगर बाबा पर मन और बुद्धि टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाबा ने एक बहुत सहज मार्ग बताया है और आप सभी भाई बहने भी इसका बहुत सहज अभ्यास कर सकते हैं। 6 घंटा एक जगह बैठकर शायद मुश्किल हो सकता है, लक्ष्य जरूर रख सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत सिंपल विधि बताता हूँ। और पता है क्या है विधि,
आज आपके साथ स्वामी भाई भी ट्राई करेंगे। लॉकडाउन के समय पर मैं ये जरूर पुरुषार्थ कर रहा हूँ। आज सभी भाई बहन ये पुरुषार्थ करेंगे कि रात को सोने के पहले अंतिम संकल्प वो बाबा होना चाहिए। तो फिर से रिपीट करता हूं, रात को सोने के पहले राइट हमारे संकल्प चलते ना, वो अंतिम संकल्प अगर हमको बाबा आ गया तो जो 6 घंटा आप सोएंगे ना वो आपके योग के चार्ट में आ जाएगा। ये मेरा कोई मनन चिंतन नहीं है, बाबा ने ये क्लियर कट अपने अव्यक्त वाणी में कहा है और ये अंत मति सो गति के लिए भी हमको मदद करेगा। लेकिन ये अंतिम संकल्प बाबा कैसे होगा, उसके लिए हमारी आदरणीय दादी जानकी जी का मंत्र, मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा शुक्रिया बाबा। तो आज आपके लिए होमवर्क ये है, आपको मेडिटेशन अभी मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि आप सभी अनुभवी हैं, लेकिन ये मंत्र और आज रात को सोने के पहले जब आप लेट जाते ना जैसे उसके अभी से अभ्यास करें, मेरे बाबा मीठे बाबा भोजन अगर करेंगे या मीठे बाबा प्यारे बाबा सोने की तैयारी, सोते सोते मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा शुक्रिया, मेरे बाबा खर खर खर्राटे मारने लगे। और कल दीदी से बोलिए, दीदी कल 6 घंटा निरंतर योग किया, तो दीदी कहेंगे रात्रि भट्टी कर रहे थे, नहीं नहीं मैं तो खर्राटे मार के सो रही थी। यस यही तो करना है, बाबा की याद में बहुत अच्छी नींद करनी, तो सुबह अमृत वेला बहुत अच्छा उठेंगे, सारा दिन आप एनर्जी रहेगी और सारा दिन पुरुषार्थ को बहुत खुशी से बहुत आनंद के साथ, कमी कमजोरी संस्कार हो सकते हैं, दैट इज ओके वी नो दैट, उसको चेंज करने की विधि आज भी बाबा ने कहा ना, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, अपने दिव्य गुणों को महसूस करो। ये जो 63 जन्मों के संस्कार अगर हमको परेशान करे तो उसके पहले के आदि और अनादि संस्कारों को इमर्ज करो, हमको वो नई दुनिया में जाना, उसको फील करो। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, हर आत्मा के प्रति अच्छी भावना की फीलिंग को लेकर आए और कभी कभी है ना गीत को गुनगुनाए। आप तो कितने सौभाग्यशाली हैं, आपके पास ऐसे महान हस्ती है जो इतनी मधुर वाणी से सभी को बाबा के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप भी बहुत प्यार से गीत गुनगुना सकते हैं, एक एक बाबा के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। ये आप और हमको जरूर जरूर करना है। तो एक बार फिर बाबा का बहुत दिल से थैंक्स, हमारी आदरणीय दीदियों को बहुत दिल से थैंक्स, राइट हमारी अस्मिता बहन जी को बहुत दिल से थैंक्स। मुझे याद आता अस्मिता बहन और शायद पद्मा बहन आप भी थे जब हम जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सर्विस विंग के लिए गए हुए थे, तो उस समय अस्मिता बहन जी बहुत प्यार से सभी को बाबा का गीत सुनाकर बाबा के साथ वो बहुत प्यार से जोड़ते थे। तो उन दिनों भी वो सेवा के बहुत मधुर स्मृतियां हमारे साथ हैं और गीत बाबा का जब हम दिल से महसूस करते, भले हम इतने मधुर से गीत नहीं भी गा पाए, लेकिन दिल वाले बनकर दिल को गीत गुनगुनाना, ये आप अभी हम थोड़े समय पर हम जरूर जरूर करें। ड्रामा का थैंक्स और विशेष विज्ञान का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, थैंक यू। आज बहुत ही सुंदर युक्तियां हमें मिली हैं और सच में ये जो टेंशन था 6 घंटा 8 घंटा आज आपने बहुत इजी कर दिया है। यस यस। और अस्मिता बहन आप सबको थोड़ा गीत कैसे गाते हैं उसका भी आप ऑनलाइन थोड़ा ट्रेनिंग दीजिएगा, क्योंकि सतयुग में हमको यही करना है। सतयुग में तो भाषण वाषण नहीं चलेगा, गीत संगीत ही चलेगा। और ये गिफ्ट, सुंदर गिफ्ट बाबा ने आपको संगम युग में दिया है, आप सचमुच बहुत सौभाग्यशाली हैं। नहीं वो सीक्रेट आपने ऑलरेडी बता दी है, हमें दिल वाला गीत गाना है। हाँ, दिल वाला गीत ही बाबा दिल वाला सुनता है। वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू, बहुत अच्छा। आगे भी अगर कुछ मेरे लायक सेवा होगी तो प्लीज मुझे याद करिएगा, ठीक है। सभी भाई बहने अपने घर में बाबा की याद में स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहिए, हमारी बहुत शुभ भावना है। ओके बहुत बहुत थैंक्स। एक वैसे लास्ट में कहा था कि कुछ प्रश्न हो तो मैं तो देख रही हूँ ज्यादा कोई प्रश्न नहीं है, पर एक दो प्रश्न है जो मैंने सोचा की एक बार आपके सामने रखू। पूछे है, एक किसी ने पूछा है की हम परम धाम में जो बाबा को याद करते, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा है घर को, लंबे टाइम तक परम धाम में अपने संकल्पों को कैसे टिकाए, क्योंकि वहां तो संकल्प भी शून्य हो जाते हैं, तो लंबे समय तक योग में उस अवस्था को कैसे बनाए,
और एक किसी ने कहा है कि हम कनेक्शन जोड़ते हैं बाबा से, पर कब वो डिस्कनेक्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता है। करेक्ट, नो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं पहले दूसरे प्रश्न का जवाब देता हूँ, फिर मैं पहले प्रश्न का जवाब दूंगा। जब आप योग में बैठते हैं ना, तो योग में एक तो सबसे पहली बात, हम सोल कॉन्शियस होकर बैठे और मन में जो संकल्प चल रहे हैं ना, उसको हम ऑब्जर्व करें, देखें हम उसको, राइट? एक साक्षी होकर एज अ गुड फ्रेंड माइंड को ऑब्जर्व करें, और फिर बहुत स्नेह प्यार से, क्योंकि मन हमारा, मन और बुद्धि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और ये मन बुद्धि जो है ना, जुड़वे बच्चों की तरह काम करता है, ये जुड़वे भाई है ये। तो मन का काम जो है वो फीलिंग को जनरेट करना, और बुद्धि जो है उसका करस्पॉन्डिंग वो चित्र बनाती है, करेक्ट? तो इसलिए बहुत जरूरत है जब हम वो सोल कॉन्शियसनेस होकर बैठे और अपने जो अंदर के जो दिव्य संस्कार है उसको हम इमर्ज करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप, और एक एक गुण को बहुत देर तक उसको फील करें, क्योंकि वो हमारा स्वधर्म है, पहली बात। अच्छा, बाई चांस अगर बुद्धि और कोई चित्र बनाती है, तो वो चित्र क्यों बना रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो निकलता है। अगर हमारे डे टू डे कर्म जो है वो तो कोई बहुत बड़ी बात है, फिर उसको बहुत प्यार से वापस लेकर आइए, लेकिन अगर किसी ने मुझे ऐसा किया वैसा किया ये आता है ना, तो यहाँ पर हमको थोड़ा उसको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हमें नीचे की तरफ पुल करता है, ये हमें परमधाम में उड़ने नहीं देता है। और अगर हमारा लक्ष्य है कि परमधाम में टिकूं, तो इसको ठीक करना पड़ेगा बाबा की याद में। तो उस समय पे जो है, अगर किसी ने मुझे हर्ट किया, किसी ने मुझे बोल दिया, किसी ने मुझे तकलीफ दी, कहीं ना कहीं मुझे उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ये संकल्प जो चलते हैं, और ये आना बहुत नॉर्मल है, नथिंग टू वरी, उस समय बाबा के साथ रू रिहान करते हुए इस इमोशंस को हम एक्सप्रेस करें, और उस इमोशंस को हम हील करें थ्रू अवर नॉलेज, थ्रू अवर ज्ञान। एक कार्मिक अकाउंट है, ड्रामा है, हर आत्मा का पार्ट है, शायद उसको अपनी तकलीफ होगी, कहीं ना कहीं मैंने भी उसको ऐसा कुछ किया होगा। तो ये रू रिहान करते हुए जो मन और बुद्धि में जो जो हमको दर्द है ना, उस दर्द को हील करें। जब ये हीलिंग हो जाएगी, फिर हम धीरे से मन बुद्धि से हम ऊपर उड़े, तो तब आप देखेंगे, आप मन बुद्धि से उस परम धाम को बहुत अच्छी तरह देख पाएंगे, और क्योंकि नीचे का वो जो ग्रेविटी पुल नहीं होगा, तब हम ऊपर कुछ ज्यादा समय तक हम टिक सकते हैं। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस भाई या बहन ने जो मुझे प्रश्न पूछा है, हम देखें परम धाम में अगर हम 5 सेकंड तक, 5 सेकंड कितना टाइम होता है, टिक 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 टिक, 5 सेकंड में मन और बुद्धि के द्वारा वो बीज रूप अवस्था को अगर मैं फील कर रहा हूं, मैं आत्मा जो नीचे हमें अनुभव करना है, शरीर में चमकता हुआ सितारा, परम धाम में उस परम ज्योति को 5 सेकंड भी अगर आप कर पा रहे, तो दैट इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। कि धीरे से, को स्लो, क्योंकि अगर आप लेजर लेकर आएंगे ना, तो लेजर 5 सेकंड के अंदर हमारी हड्डियों को ठीक कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। तो कितना क्वांटिटी के बदले फर्स्ट फोकस ऑन क्वालिटी, राइट? कि मैं 5 सेकंड, मेरा तो एक शिव बाबा, 5 सेकंड, तो क्वालिटी इज वेरी हाई, क्वांटिटी इज वेरी लो, नो प्रॉब्लम 5 सेकंड। अब कल जो है उसको 6 सेकंड्स पे लेकर आइए, 10 सेकंड्स पर लेकर आइए, टेक इट टू 20 सेकंड्स, टेक इट टू 30 सेकंड्स, एंड देन स्लोली आप अपने उस परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई कर सकते हैं। That is how slowly, step by step आप जाइएगा। By chance आप नीचे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से अपने मन बुद्धि को बहुत प्यार से समझाते हुए, अगर उसको कोई हीलिंग की जरूरत है, अगर किसी के संकल्प ने खींचा, अगर मेरा कार्मिक अकाउंट खींचा, हो रहा है ना, और सिर्फ इस जन्म का नहीं है, पिछले 63 जन्मों के संस्कार है, और संगम युग पर ही हमको डेबिट और क्रेडिट करना है, इफ समबडी इज पुलिंग मी, इट इज वेरी नेचुरल, तो उसको हील करे कोई ना कोई ज्ञान को सुनाते हुए, समझाते हुए, फिर से आप प्रयास करें। यही तो हमें करते रहना, और कुछ समय के बाद हम स्टेबलाइज होने लगेंगे। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं ना, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तो आप और हम कर रहे हैं, एंड स्लोली वी आर कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम अपडेशन तो जरूर हो रहा है। बाबा के साथ टच होना मतलब वो डिवाइन संस्कार तो आ ही रहे हैं हमारे जीवन में, तो ये सुंदर फीलिंग को हम अनुभव करें। ओके, ओम शांति। थैंक यू सो मच सारे सब भाई बहनों की तरफ से, श्रावण मास की हमारी इस भट्टी में और पुरुषार्थ में एक्स्ट्रा बल भरने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही रोचक
हमें युक्तियां मिली हैं, और सभी भाई बहनों का भी मैं देख रही हूँ फीडबैक आ रहा है और वाइब्रेशन भी महसूस हो रहा है। थैंक यू, सभी को बहुत बहुत दिल से बाबा की तरफ से धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। हम एक मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। जरूर जरूर। गीत बजेगा। जरूर। प्यारे प्रभु शुक्रिया, शुक्रिया आपका, प्यारे प्रभु शुक्रिया मुझको।